हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं आज अपने गांव में हूं और आपको पूरे इधर खेत में आया हूं, इधर का पूरा व्यू दिखा रहा हूं दोस्तों। और सुबह हो गई है दोस्तों, 8 बज रहा है और देख रहे हैं धूप कितनी तेज़ है और फसल भी बहुत गजब है गेहूँ की। इस बार आप देख सकते हैं इधर पूरा यहाँ का पूरा व्यू। और मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग बना देता हूँ। और इधर मैं अपने गेहूं के खेतों में टहलने के लिए आया था गांव की तरफ, तो खेतों में तो देख सकते हैं यहां का पूरा व्यू और पक्षियों की चहचहाट। तो अभी तो गेहूं जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं इधर। और यही है, आपको पूरा पीछे से व्यू दिखाता हूं इधर फसल का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे गेहूँ का फसल पूरा इधर, और ये बैक कैमरे से आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। अभी सनलाइट ज़्यादा है इसलिए आपको कुछ इस प्रकार से व्यू दिख रहा है। इधर आप देख सकते हैं इधर का पूरा व्यू। और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, ठंड धीरे धीरे जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जनवरी का लास्ट दिन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इधर पूरा व्यू गेहूं की और सरसों भी खिली खिली सी लग रही है। पूरा गांव का पूरा नेचर ही बहुत लाजवाब लग रहा है इस टाइम, बहुत ही अच्छा। तो यही है दोस्तों। और दोस्तों, जो शहर में है वो गांव का नज़ारा नहीं देख सकते, तो आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई है इस बार, ये आप देख रहे हैं सरसों कितनी अच्छी लग रही है फूल लेने के बाद। इधर से ये पूरा व्यू गांव के खेतों का। और दोस्तों, हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना, क्या गजब लग रहा है सुबह के मौसम में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जो शहर में है वो ये फील नहीं कर सकते, गांव का नज़ारा जो यहां की जो नेचर है वो बहुत ही लाजवाब है। तो यही है, तो दोस्तों यही है। और पूरा आप व्यू देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी ढेर सारा प्यार दें, जिससे मेरा भी चैनल आगे जाए और मैं भी कुछ इनकम कर सकूं। तो ये है पूरा गांव का व्यू। और आपको जहां का भी ब्लॉग बनवाना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहां का वीडियो चाहिए, तो मैं वहां का वीडियो आपको देता रहूंगा और डेली अपडेट देता रहूंगा। तो यही है दोस्तों। और यही हमारे बगल से ही NH हाईवे 135A जो है, उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है, तो मैं उसका भी ब्लॉग इस ब्लॉग के लिंक में कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।